नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया कि जो काम करने वाले हैं हम आर्थिक जनगणना में, इसमें हमारे इन्वेटर का क्या कमीशन होगा या फिर सुपरवाइजर का क्या कमीशन होगा, किस प्रकार से ये कमीशन हमें मिलने वाली है, रेसिडेंशियल हो या फिर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल हो या फिर कमर्शियल का किस प्रकार से डिवाइड किया गया है कमीशन। तो चलिए इसी चार्ट को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पेमेंट चार्ट जो है दोस्तों वो इस प्रकार से है, जो भी इन्वेटर किसी घर का अगर आर्थिक जनगणना का काम करते हैं तो उन्हें 10 रुपया मिलेगा एक घर पे। उसी प्रकार दोस्तों अगर रेसिडेंशियल के साथ कमर्शियल कार्य भी हो रहे हैं उस घर में तो उसके लिए उन्हें 16 रुपये मिलेगी। अब इसके बाद आता है हमारा कमर्शियल, किसी इन्वेटर द्वारा किसी कमर्शियल व्यापार का किया जाता है आर्थिक गणना का काम, उसमें उन्हें 20 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों अपने सुपरवाइजर की ओर कि उन्हें कितना कमीशन मिलने वाला है इस आर्थिक जनगणना के कार्य करने में। तो जो भी हमारे सुपरवाइजर होंगे दोस्तों वो किसी घर का अगर वेरिफिकेशन करते हैं तो उन्हें 3 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों रेसिडेंशियल कम कमर्शियल का अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें उन्हें 4.50 रुपये मिलेंगे। इन्वेटर के द्वारा जो कमर्शियल का आर्थिक गणना किया गया है उसमें अगर सुपरवाइजर जाके उनका वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें उन्हें 6 रुपये का कमीशन मिलेगा। एक बात सभी सुपरवाइजर या फिर इन्वेटर ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। अगर आप आर्थिक गणना का काम एरिया के अनुसार नहीं कर पाते हैं और कहीं कम करते हैं या फिर ज़्यादा कर देते हैं तो इसमें भी आपको पेनल्टी लग सकती है। दूसरी है डाटा क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखेंगे, किन्हीं का नाम टाइपिंग जब आप करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि वो सही होनी चाहिए, एड्रेस सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर सही होनी चाहिए, इस चीज़ पर भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड जो पेनल्टी का ऑप्शन जिसमें रखा गया है वो ध्यान रखेंगे सभी सुपरवाइजर कि जो भी काम आपको मिला है आर्थिक गणना का काम, ये सरकारी काम है, इसे आप समय से पहले पूरा करें, अगर आप डिले करते हैं तो इसमें भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इन सभी बातों पे ध्यान रखेंगे हमारे जो भी सुपरवाइजर आर्थिक गणना का काम कर रहे हैं वो। आशा करता हूँ आपके समझ में आ ही चुका होगा कि किस प्रकार से इन्वेटर का कमीशन है और किस प्रकार का सुपरवाइजर का कमीशन है। और एक विशेष बात दोस्तों, जो भी आर्थिक गणना का कार्य कर रहे हैं ये जो पेमेंट आने वाला है वो VLE के अकाउंट पे ही आएगी, फिर जाके VLE ही अपने इन्वेटर को पेमेंट देंगे कि किस प्रकार से जिस भी इन्वेटर ने ज़्यादा सर्वे का काम किया हो वो काउंटिंग रहती है VLE के पास, तो उस प्रकार से वो पेमेंट रिलीज करेंगे अपने इन्वेटर को। अंतिम में आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएँ।